यह प्रवचन श्रद्धे सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 1984 सन 1927 को प्रातः काल हुआ। पैठ संख्या 68, प्रवचन संख्या 20। विषय बड़ों को प्रणाम और संध्या नित्य करना एवं भगवान के कर्मों की दिव्यता। जिस प्रकार से स्त्रियों को अपने से बड़ों को प्रणाम करने के लिए कहा गया था, उसी प्रकार से पुरुषों को भी कहा जाता है कि कम से कम एक बार तो सबको प्रणाम कर लें, प्रातःकाल कर लें। यदि उस समय मौका नहीं लगे तो शौच स्नान करने के बाद कर लें। कोई भी अपने से उम्र में, जाति में, कायदे में अर्थात संबंध अथवा रिश्ते में, गुणों में किसी प्रकार से भी बड़ा हो, उसको प्रणाम कर लें। शास्त्र तो प्रणाम करने से आयु, विद्या आदि भरने के लिए भी कहता है, लेकिन हमें कामना नहीं रखनी है, इसलिए स्वाभाविक ही प्रणाम के लिए कहा गया है। प्रणाम करने में भाव आदर का, श्रद्धा का होना जरूरी है। भाव होना बहुत आवश्यक है। यदि कोई प्रणाम करने के लिए मना करे तो उनको दूर से ही कर लेवें। यदि दूर से करने के लिए भी मना करे तो मन से कर लेवें। पहले जिस प्रकार से संध्योपासना के लिए मेरे नाम से कल्याण में लेख निकाला गया था, उसके कारण से ऐसा अनुमान होता है कि हजारों भाई जो दिन में एक बार संध्योपासना किया करते थे, वे दोनों समय करने लग गए हैं। उसी तरह सबको एक बार तो प्रणाम कर लेने के लिए भी एक लेख निकालने का विचार किया गया है। हम समझते हैं कि इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए जो इस लेख की बात को काम में नहीं लेवे। जो माता पिता आदि के कृतज्ञ हैं, उन्हीं का इस उत्तम काम में प्रेम नहीं होता है। जिस तरह महात्मा गांधी कई बार हड़ताल करवाया करते थे, उनका ध्येय था कि सब लोग इस काम में लगेंगे तो स्वराज्य मिल जाएगा। सो इस कार्य चरण स्पर्श प्रणाम आदि में तो त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, तथा इसमें यह भी सुगमता है कि जितने भी इस काम में शामिल हुए उन सबको ही मिल सकता है। उस गांधी जी वाले काम में तो स्वराज्य मिले अथवा नहीं भी मिले, इस काम में तो अवश्य ही मिलता है। कारण कि यह तो अपने पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर है। भगवत प्राप्ति में प्रारब्ध बाधा नहीं लगा सकता है। उस काम में तो हजारों आदमी कैद हो गए, इस काम में तो फांसी अथवा कैद भी नहीं होती है, यह बात तो सब जानते ही हैं। साकार का ध्यान करने वालों को, जो कि परमात्मा का प्रभाव जानकर ध्यान करते हैं, उन्हें परमात्मा शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान करने वाला यदि इच्छा करे तो वे शीघ्र ही दर्शन भी देते हैं, बिना इच्छा भी दे देते हैं। परमेश्वर के प्रभाव तत्व को समझे बिना जो ध्यान है, वह उच्च श्रेणी का नहीं है। परमेश्वर के कर्मों में
कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए वे शुद्ध हैं। उनके जो कर्म हैं वे अद्भुत हैं, इसलिए अलौकिक हैं और उज्जवल हैं। ऐसे कर्मों का संसार में विस्तार हो जाता है, त्रिलोकी में उनका यश छा जाता है, इसलिए उनके कर्म अलौकिक हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो वे नहीं कर सकते हैं। उनके कर्म स्वार्थ रहित प्रकाशमान हैं। प्रकाशमान का मतलब यह है कि भासने लग जाते हैं, दुनिया में चारों तरफ छा जाते हैं, उज्जवल हैं। वहां इतना प्रकाश हो जाता है कि पास में रहने वालों को भी ज्ञान हो जाता है। वे अंधकार मिटा देते हैं, वे मल रहित हैं, उनमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, सब प्रकार का अंधकार नाश करने वाले हैं। उनका प्रकट होना, शांत होना, इस प्रकार की प्रतीति होती है। वे अपनी लीला सब दिखाते हैं। वे संसार के हित के लिए एकदम प्रेम और दया से भरे हुए हैं। वे प्रेम की मूर्ति हैं। प्रेमी को ही उनकी प्रतीति होती है। जो उनके परम भाव को और सामर्थ्य को जानकर उनका ध्यान करता है, उसको बहुत जल्दी फल की प्राप्ति हो जाती है। जैसे सूर्य देखने में तो छोटे से दिखते हैं, परंतु उनका प्रकाश समस्त संसार में फैल रहा है। यह भी मोटे रूप में ही समझाना है। इस प्रकार से समझकर जो ध्यान करना है, यह सब प्रकार से उच्च श्रेणी का ध्यान है। नारायण 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 श्रीवल 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 नारायण 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 ஆனந்தாயம் ஆனந்தாயம் பூர்ணானந்த் அபாரானந்த் சாந்தானந்த் கனானந்த் அசலானந்த் துருவானந்த் நித்யானந்த் போதஸ்ருவானந்த் ஞானஸ்ருவானந்த் ஆனந்தியானந்த் ஆனந்தியானந்த் சாந்தி சாந்தி சாந்தி.